टाटा आईपीएल 2023, एक तरफ सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी, वहीं दूसरी तरफ गुजरात के हार्दिक पांड्या। कारवा पहुंचा है अहमदाबाद में फाइनल मैच सीएसके वर्सेस गुजरात। सिक्का उछला है और ये सिक्का गिरा है हार्दिक के पक्ष में, और हार्दिक ने टॉस जीतने के बाद किया है पहले गेंदबाजी का फैसला। 18 ओवर में 153 रन सीएसके के स्कोर हो चुका है। 4 विकेट पर अंबाती राडू, पहली बॉल 18वें ओवर की और मिस। दूसरी बॉल पर अंबाती राडू ने स्ट्रेट की तरफ सीधा शॉट खेला है, गेंद हवा में है, नतीजा काफी बेहतरीन 4 रन, और इसी 4 रन के साथ अंबाती राडू की 50 बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। तीसरी बॉल पर अंबाती राडू ने ऑफ साइड की तरफ शॉट खेला है लेकिन गेंद गई है फील्डर के हाथों में और बहुत ही बेहतरीन विकेट मिलता हुआ नूर अहमद को। राइडू सेट बल्लेबाज आउट होते हुए अब बल्लेबाजी के लिए आए महेंद्र सिंह धोनी। सामने स्ट्राइक पर जडेजा शॉट खेला है लेकिन बॉल डॉट, तो अब प्रेशर सीएसके के ऊपर दिखता हुआ। 5वीं बॉल ये वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ यहां से सीएसके को। सामने स्ट्राइक पर जडेजा, फिर एक वाइड बॉल और फिर एक एक्स्ट्रा रन, तो दो लगातार वाइड बॉल नूर अहमद डाल चुके हैं। 5वीं बॉल पर जडेजा ने ऑफ साइड की तरफ काफी कमाल का शॉट खेला है, गेंद गैप में गई है और नतीजा 4 रन है, बहुत ही शानदार शॉट जडेजा का। लास्ट बॉल पर जडेजा ने शॉट खेला है और शॉट ये गई है फील्डर के हाथों में और 1 रन मिलता हुआ। तो अब अंतिम की 6 बॉलें बची हुई हैं, देखते कितने रन सीएसके बना पाती है। समी की पहली बॉल दिशा में ओवर की और ये डॉट बॉल, तो अब दूसरी बॉल यहाँ से समी ने डाली है, जडेजा ने पुल शॉट खेला है, गेंद गैप में गई है, कितने रन मिलते हैं, जी हाँ 1 रन आसानी से मिलते हुए। तो अब स्ट्राइक पर आते हुए महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी सामने स्ट्राइक पर है। पहली बॉल पर ही समी के पुल शॉट खेला है, गेंद गैप में गई है और पहली बॉल पर ही नतीजा 4 रन, महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी। अगली बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी शॉट खेला है लेकिन ये वाइड बॉल, तो महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ से 5वीं बॉल पर फिर शॉट खेला है, फिर 1-4 रन, तो माही मार रहा है, काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी महेंद्र सिंह धोनी की। 3 बॉलों पर 8 रन बना चुके हैं। अब अंतिम बॉल ओवर की लेके तैयार है समी, काफ़ी कमाल का शॉट और महेंद्र सिंह धोनी अपने स्टाइल में फिनिश करते हुए 6 रन, और इसी के साथ अब गुजरात को बनाने होंगे 20 ओवरों में 180 रन जीतने के लिए। 12 बॉल पर जीत के लिए चाहिए 18 रन। तीक्ष्ण अपने ओवर की पहली बॉल लेके तैयार है। पहली बॉल पर ही मिलन ने ऑफ साइड की तरफ बहुत ही कमाल का शॉट खेला है और पहली बॉल पर ही बहुत ही बड़ा 6 रन, तो अब जीतने के लिए चाहिए 12 रन। 11 बॉल पर यहाँ से मिलन ने शॉट खेला और ये डॉट बॉल, तो काफ़ी बेहतरीन गेंद दूसरी बॉल तीक्ष्ण की। 3री बॉल पर मिलन ने फिर शॉट खेला लेकिन ये बॉल डॉट। 4थी बॉल यहाँ से फिर डॉट बॉल, तो लगातार काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी तीक्ष्ण की। 5वीं बॉल फिर से लिप किया है मिलन ने, एक और डॉट बॉल। 5वीं बॉल और ये 6वीं बॉल भी डॉट बॉल, तो अब 12 रन जीतने के लिए चाहिए। 6 बॉलों पे दीपक चहर की पहली बॉल पर शॉट खेला है हार्दिक पांड्या ने, गेंद गैप में गई है और 2 रन का कॉल होना चाहिए। 2 रन काफ़ी आसानी से मिलते हुए, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ से बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या के। 10 रन जीतने के लिए चाहिए 5 बॉलों पर, और ये दीपक चहर की बॉल पर काफ़ी कमाल का शॉट खेला है हार्दिक पांड्या ने, गेंद गैप में गई है और नतीजा 4 रन, और इसी 4 रन के साथ बहुत ही कमाल की 50 हार्दिक पांड्या की, बहुत ही शानदार। और यहाँ से हार्दिक पांड्या एक और डॉट बॉल, तो अब जीतने के लिए 6 रन। 3 बॉलों पे हार्दिक पांड्या ने शॉट खेला है और ये शॉट फील्डर के हाथों में, तो अब 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए। 5वीं बॉल पे हार्दिक पांड्या ने हवा में शॉट खेला है, गेंद 1 रन मिलता हुआ, तो अब अंतिम बॉल बची हुई है दीपक चहर की। सामने स्ट्राइक पर है डेविड मिलर, जीतने के लिए चाहे 5 रन यानी 6 रन लगाने होंगे। डेविड मिलर ने शॉट खेला है, गेंद गई है फील्डर के हाथों में और 1 ही रन मिलता हुआ, और इसी 1 रन के साथ ही इस मुकाबले को सीएसके ने जीत लिया है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 3 रनों से सीएसके ने इस फाइनल को जीत लिया है।